नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ निधि सिन्हा। कहते हैं किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत और लगन से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं और सच्चे मन से अपने कार्यों को करते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ उदाहरण पेश करूंगी आज कटिहार जिले की, जहां बेटी सितारा परवीन ने, कटिहार की बेटी सितारा परवीन ने अपने सुर के दम पर चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो में इंडियन आइडल में अपना परचम लहराया है। जी हां, कटिहार जिला के नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में रहने वाली सितारा प्रवीण एक मध्यम परिवार से आती हैं और उनके पिता मछली व्यवसायी हैं। सितारा प्रवीण के साथ भाई और बहन हैं। सितारा प्रवीण को बचपन से ही संगीत में रुचि थी, मगर घर के हालात को देखते हुए खुद से ही घर पर रहकर गाना गाकर अभ्यास करती, तो कभी दूसरों से मांग कर हारमोनियम गिटार, तो कभी भारे पर लेकर गीत गाने की अभ्यास करती। मगर इन सब के बीच सितारा परवीन के एक ऐसे भाई भी थे, हैदर। हमेशा अपनी बहन का बखूबी हर संभव साथ दिया और उनका हौसला बढ़ाते रहे। साथ ही उनके परिवार वालों ने भी धीरे धीरे उनके इस हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सितारा परवीन ने अपने परिवार के साथ जिला के साथ साथ पूरे देश में एक बार फिर दिखाया है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। वहीं आपको बताते चले कि अब सितारा प्रवीण के गाने के लाखों करोड़ों फैंस हो गए हैं। वहीं बात कर लें उनके घर के कटिहार जिले के दुर्गापुर की, तो उनके घर एक झलक देखने और शुभकामनाएं देने के लिए लोगों का लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। वहीं अपनी सफलता को लेकर क्या कुछ कहती है सितारा परवीन, साथ ही साथ अपने भविष्य को लेकर क्या सोचती है सितारा परवीन, आइए आपको दिखाते हैं हम इस पूरे रिपोर्ट में। बीटी न्यूज बिहार के लिए कटिहार से सुंदर कुमार की रिपोर्ट। हाँ, कटिहार जैसे छोटे शहर से आप निकलकर इंडियन आइडल में गई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी का इतना प्यार मिल रहा है और इतनी दुआएं, इतना सारा आशीर्वाद मिल रहा है, तो बहुत प्राउड फील हो रही है खुद में। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि और बहुत सारा मेहनत भी है सभी का आशीर्वाद भी है और आज यहाँ तक इंडियन आइडल के मंच पे आई हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। इंडियन आइडल के मंच पे गए तो वहाँ पे क्या लगा आपको कि बिहार से और भी कई लोग प्रतिभागी गए थे वहाँ पर? जी हाँ, आइडल के मंच पे जब मैं वहाँ पे गई तो मेरी मुलाकात बहुत सारे लोगों से हुई और बिहार के भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, बट आइडल के मंच तक सिर्फ मैं ही गई और क्योंकि वो लोग पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। क्या लगता है कि आप किनको श्रेय देना चाहते हैं अपनी सफलता का? मैं अपने जो भी मेरा म्यूजिक जर्नी रहा है शुरू से लेके अब तक, मैं सबका श्रेय अपने हैदर भैया को, अपने पूरे फैमिली को और मेरे जो भी गुरु हैं उन सबको देना चाहती हूँ। कैसे ये सब मुमकिन हो पाया, कैसे कैसा रहा आपका संगीत का सफर, कब से आपको इसका मतलब अनुभव है, कब से आप संगीत के लिए कर रहे हैं, कब से मेहनत कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मेरी अम्मी पहले गाया करती थी, तो उनसे ही मुझमें संगीत आया है और जब मैं 5 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया और सभी कहते थे कि आवाज़ अच्छी है स्कूल्स वगैरह में, तो बहुत भैया लोग कहते थे कि चलो ठीक है तुम्हें सीखना भी चाहिए, तो मैंने सीखना शुरू किया तब से लेके जब से 5 साल की थी और सीखते सीखते अभी मैं यहाँ तक आई हूँ। बट बीच में बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, तो मैं और मेरे हैदर भैया ने बहुत सारी परेशानियों को सेक्रीफाइस किया, स्ट्रगल किया, तो आज मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की बेटियों को, जिला की बेटियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहूँगी कि आप सभी जितने भी बेटियाँ हैं, प्लीज़ आप सभी जितना भी मतलब अपने आप को खुल के जिए और मैं देखती हूँ कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में जितनी भी लड़कियाँ हैं सबको खुल के जीने का अधिकार नहीं और बराबर का अधिकार नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात ये है। और ये बात है कि बेटा जो कर सकता है वो बेटियां नहीं कर सकती, ये सभी सोचते हैं, बट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सभी खुल के जिए आज़ादी के साथ, बेटियां को, सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है सभी बेटी को आज़ादी दे और वो जहां जाना चाहती जिस भी क्षेत्र में उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोवाइड करें और उसे हमेशा साथ दें और देखिए एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर वो कामयाब होगी, आप सभी का नाम रोशन करेगी क्योंकि अभी जनरेशन बहुत बदल चुका है,
बेटा है, बेटियां बेटों से कम नहीं है। भविष्य को लेकर क्या सोचती हैं आप, भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? मेरा बचपन से शौक रहा है कि मुझे सिंगिंग में जाना है, मेरा जो भी कैरियर है सिंगिंग में है, और मैं खुद को बॉलीवुड में बेस्ट बनाना चाहती हूँ, मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हूँ। कटिहार जैसे जिले में आप रहती हैं और बिहार में, बिहार से आप बिलोंग करती हैं, तो आप अपने आप को कितना गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप अपने जिला का नाम रोशन कर रही हैं या बिहार का नाम रोशन कर रही हैं या देश का नाम रोशन कर रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इसके पीछे बहुत सारा मेहनत है, बहुत सभी लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, और कहते हैं कि बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं है, और मैं ये मानती हूँ कि बिना स्ट्रगल किए जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ, जिस भी चीज़ को मैं मुकाम को हासिल करना चाहती हूँ, बिना स्ट्रगल किए वो चीज़ को पाने का मज़ा नहीं है। तो मेरी तरफ से मैं सबको कहती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी मुश्किलें आए सबको साइड रखो, और जो भी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी आपका कैरियर है, उस पर फोकस कीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आप एक दिन वहाँ पर जाएंगे और वो मुकाम पाएंगे। एक बार फिर से नाम बताए पापा। मेरा नाम सितारा। जिया जिया रे जिया रे जिया 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 रे जिया रे जिया 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 ज